उबर रेप केस में दिल्ली की 30,000 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ड्राइवर को दोषी करार कर दिया है। गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने पिछले साल दिसंबर में उबर कैब ली थी। जब वह घर लौट रही थी तब कैब में ड्राइवर शिवकुमार यादव ने उससे रेप किया था। दोषी ड्राइवर की सजा पर बहस 23 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद उबर कैब में सेफ्टी को लेकर सवाल उठ गए थे। अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के सामने डॉक्टरों और नर्सों द्वारा गरबा किए जाने का मामला सामने आया है। उस वक्त प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल अस्पताल के दौरे पर थे। वीडियो सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन से जवाब देते नहीं बन रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आईसीयू में बिस्तर पर मरीज लेटे हैं, वहीं सामने डॉक्टर नर्सें और अन्य स्टाफ गरबा कर रहा है। घटना 16 सिविल हॉस्पिटल की है। स्वास्थ्य मंत्री यहां डायलिसिस के नए सेंटर का उद्घाटन करने आए थे। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहकर विवादों में घिर चुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब उसे सबसे भ्रष्ट करार दिया है। हालांकि केजरीवाल ने इसके पीछे एक सर्वे का हवाला दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री से दिल्ली पुलिस और एसीबी को आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन करने की अपील की है। दिल्ली के सीएम ने ट्विटर पर लिखा, मोदी जी जिद छोड़िए, हमारे साथ मिलकर काम करिए और एसीबी और दिल्ली पुलिस को हमारे अधीन कर दीजिए, हम एक साल में सारी चीजें ठीक कर देंगे। दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने अपने महकमे पर भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि अगर एफआईआर दर्ज कराने में रिश्वत का एक भी सबूत पेश किया गया तो वह पद से इस्तीफा दे देंगे। उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए बस्सी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली पुलिस को भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जाने संबंधी सवाल पर कहा, वह हमारी चिंता छोड़े, हम अपना काम खुद कर लेंगे, वह अपना काम करें। शिवसेना की ओर से लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और हंगामे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया है। मुंबई में शिवसेना की ओर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान के विरोध और बीसीसीआई प्रमुख शशांक मनोहर के घेराव के बाद उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कुछ लोगों ने अपनी राय रखने के लिए गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी है, जिनकी वजह से काफी समस्याएं आई हैं। दबंगों ने दरिंदगी की इंतहा पार करते हुए आज तड़के 4 बजे दलितों के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। भीषण आग की चपेट में आए 2 बच्चों समेत 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बाद में चारों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना जिले के गांव सुनपेट की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना पर दुख जताते हुए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वीरेंद्र सहवाग ने अपने जन्मदिन के मौके पर मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि सोमवार को उनके संन्यास की खबरें आई थी, जिनका उन्होंने खंडन किया था। नीतीश लालू पर चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राजद उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने दावा किया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान के कारण ये चुनावी मुद्दा बना है और गरीब लोग महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद होकर उसे सत्ता में बिठाने को तत्पर हैं। मुंबई में शिवसेना की हरकतों को भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई भी नेता कार्यकर्ता शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई किस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। उन्होंने शिवसेना का नाम लिए बिना उसके नेताओं को बयान देते समय संयम बरतने की नसीहत तक दे डाली। हॉलीवुड के सुपरस्टार अर्नॉल्ड दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत के साथ फिल्म रोबोट 2 में काम करते नजर आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस फिल्म के लिए टर्मिनेटर स्टार अर्नॉल्ड को 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ऑफर की गई है।